हेलो फ्रेंड्स एंड फेलो फोटोग्राफर्स, मैं हूं कुणाल द फोटोग्राफी ब्लॉगर और आज हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में, टाइप ऑफ लेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ माउंट्स। तो यहां पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी टाइप ऑफ लेंसेज के बारे में, बट वहां पे हमने डिस्कस किए थे अलग अलग लेंसेज जो आते हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ फोकल लेंथ। तो वो एक थोड़ा अलग वीडियो था, ये उसका एक तरह से सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो अलग अलग लेंसेज आते हैं अलग अलग माउंट्स के लिए, वहाँ मैं आपको थोड़ा डिटेल्स बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा लेंस एक बेटर लेंस रहेगा आपके कैमरा के हिसाब से। तो ये हम पूरा डिस्कस करेंगे, तो हम वीडियो को पूरा देखते हैं और अगर आपको हमेशा की तरह वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे को कमेंट्स में बताना आगे की वीडियोज़ के लिए आइडियाज़। तो चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो अगर आप एक नया कैमरा लेंस प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी आपके माइंड में कोई एक लेंस है बट आपको श्योर नहीं है कि वो आपकी जो कैमरा बॉडी है उसके साथ कंपेटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, तो आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा जो अलग अलग टाइप ऑफ लेंसेज आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माउंट्स। तो आपको कौन सा लेंस माउंट कंसिडर करना चाहिए अपने DSLR के लिए। तो अगर हम शुरू करें कैनन लेंसेज के साथ तो यहाँ पर आपको दो वेरियंट्स मिलते हैं। पहला वेरियंट जो है वो है EF और जो दूसरा है वो है EFS। तो जो EF लेंसेज होते हैं हम उनके साथ पहले शुरू करते हैं कि क्या होते हैं। तो EF लेंसेज जो हैं वो स्पेशली फुल फ्रेम कैमरास के लिए डिज़ाइंड होते हैं। तो कैनन में जो भी फुल फ्रेम कैमरास आपको मिलेंगे, चाहे वो 5D Mark IV हो या 6D Mark II हो, इस तरह के जो कैनन के फुल फ्रेम कैमरास हैं उनके लिए जो लेंसेज डिज़ाइंड होते हैं वो EF लेंसेज होते हैं। तो जो भी EF लेंसेज आप देखोगे, चाहे वो 24-70 f/2.8 या f/4 हो या 70-200 f/2.8 f/4, कोई भी लेंसेज जो आप EF सीरीज में देखोगे वो स्पेशली फुल फ्रेम के लिए डिज़ाइंड होते हैं। बट आप क्रॉप सेंसर में भी यूज़ कर सकते हो इन लेंसेज को अगर आपको एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी इमेजेस चाहिए बट आपकी जो कैमरा बॉडी है वो क्रॉप सेंसर है। फॉर एग्जांपल आपके पास कैनन का 80D है बट आपको लेंस एक काफ़ी सुपीरियर चाहिए, जैसे 70-200 f/2.8, तो आप वो जो भी EF लेंसेज हैं आप क्रॉप सेंसर में यूज़ कर सकते हो टू गेट अ मोर सुपीरियर क्वालिटी इमेज। तो अब अगर मैं बात करूँ EFS जो कैटेगरी है, सेकेंड कैमरा लेंस माउंट है, अब ये जो स्पेशली बने होते हैं ये क्रॉप सेंसर बॉडीज के लिए बनते हैं। तो अगर आप EFS लेंस माउंट को आप अपने फुल फ्रेम बॉडी पे लगाओगे तो वो आपकी बॉडी को डैमेज भी कर सकता है। तो बेसिकली आप एक EFS लेंस को फुल फ्रेम कैमरा बॉडी में नहीं यूज़ कर सकते, आपको क्रॉप सेंसर बॉडी में ही यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे EFS लेंस का बेनिफिट ये है, ये थोड़े चीपर होते हैं, लाइक 24mm 40mm इस तरह के जो लेंसेज हैं आपको 6-7-8 हज़ार की कैटेगरी में शुरू हो जाते हैं और थोड़े चीपर आते हैं एज़ कम्पेयर टू EF सीरीज के जो लेंसेज होते हैं। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ, EF लेंसेज फुल फ्रेम के लिए होते हैं, आप इन्हें क्रॉप सेंसर में भी यूज़ कर सकते हो एक अच्छी क्वालिटी इमेज लेने के लिए। बट जो EFS कैटेगरी के जो लेंसेज हैं वो आप खाली क्रॉप सेंसर में यूज़ कर सकते हो कैनन के, अगर आप फुल फ्रेम में लगाओगे तो आप वो यूज़ नहीं कर पाओगे और शायद आपका कैमरा डैमेज हो जाए, तो इसलिए ट्राई भी मत करना। अब अगर मैं नाइकन की बात करूँ तो नाइकन में भी दो तरह के कैमरा लेंस माउंट्स आते हैं। पहला जो लेंस माउंट है वो है आपका DX और दूसरा है FX। तो अब अगर मैं शुरू करूँ FX लेंस माउंट के साथ, तो FX जो लेंस होते हैं, जो भी आपको लेंस माउंट मिलेंगे FX के, वो सारे फुल फ्रेम बॉडीज़ के लिए डिज़ाइंड होते हैं नाइकन के। तो यहाँ पे अगेन कैनन की तरह आप एक FX लेंस को अपने फुल फ्रेम बॉडी पे भी और क्रॉप सेंसर बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो FX लेंस अगर आप लेते हैं तो आपको जो क्वालिटी है वो काफ़ी सुपीरियर मिलेगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, तो और आपको ये कंपेटिबिलिटी मिलेगी कि आप फुल फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो और क्रॉप सेंसर पे भी। वही अगर मैं बात करूं DX लेंसेज के बारे में, तो DX लेंसेज खाली नाइकॉन के जो क्रॉप सेंसर बॉडीज होते हैं 3000 सीरीज, 5000 सीरीज, 7000 सीरीज, इनके लिए डिज़ाइंड होते हैं। बट अनलाइक कैनन आप एक DX कैमरा लेंस को फुल फ्रेम बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास फुल फ्रेम बॉडी है और आपको एक चीपर लेंस चाहिए तो आप DX सीरीज का लेंस लेके उसको नाइकॉन के फुल फ्रेम बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। बट एक कॉम्प्लिकेशन है कि आपको जो आपका फुल फ्रेम बॉडी होगा, चाहे वो D750 हो या D850 हो, उसको आपको DX मोड में लाना पड़ेगा और फिर यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो आपका एंगल ऑफ व्यू है या फोकल लेंथ है वो 1.5
क्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो चीज़ तो आपको क्रॉप सेंसर में भी रहेगा। बट आपको एक ये बेनिफिट है, आपको स्पेशली एक क्रॉप सेंसर बॉडी नहीं खरीदना पड़ेगा, आप फुल फ्रेम बॉडी में ही एक चीपर लेंस यूज़ कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, DX लेंसेज में और दो वेरियंट्स आते हैं जो आप कई लोगों के क्वेश्चन रहे हैं, और वो चीज़ मैं यहाँ पे भी क्लियर करना चाहता हूँ। तो DX लेंसेज जो क्रॉप सेंसर के लिए मैंने बताया नाइकॉन में आते हैं, उनमें दो और वेरियंट्स आते हैं। तो यहाँ पे एक आपको D लेंसेज मिलेंगे और एक G कैटेगरी लेंसेज मिलेंगे। तो D और G दो कैटेगरी के लेंसेज आते हैं DX लेंसेज में। अब इनमें क्या डिफरेंस है, सिंपली आप ये समझ लीजिए, जो D वेरिएंट्स होंगे लेंसेज के, तो D कैटेगरी में जो लेंस में है वो ऑटोफोकस मोटर नहीं होता, और G कैटेगरी के जो लेंसेज हैं उनमें ऑटोफोकस मोटर लेंस के अंदर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ क्या है। देखिए, जो आपके नाइकन के क्रॉप सेंसर बॉडीज़ हैं 3000 सीरीज़ के और 5000 सीरीज़ के, जो भी कैमरा बॉडीज़ हैं उनमें ऑटोफोकस मोटर कैमरा के अंदर नहीं होता। कैनन के हर एक DSLR में आपको ऑटोफोकस मोटर मिलेगा, बट नाइकन में ये चीज़ नहीं है। आपको 7000 सीरीज़ या उससे हायर सीरीज़ में ही आपको नाइकन के DSLR बॉडीज़ में ऑटोफोकस मोटर मिलेगा। अब अगर आपको, लेट सपोज आपके पास 5300 है, D5300 नाइकॉन का, और आपको ऑटो फोकस चाहिए लेंस में, तो अगर आप D वेरिएंट लोगे तो आपको ऑटो फोकस नहीं मिल पाएगा लेंस से, आपको मैन्युअली फोकस करना पड़ेगा। वही अगर आप G सीरीज लेंस लेते हो तो वहाँ पे आपको लेंस के अंदर ऑटो फोकस मोटर है। तो अगर कैमरा के अंदर ऑटो फोकस नहीं है, लेंस के अंदर है, तो आप जब वो यूज़ करोगे तो आपको लेंस में ऑटो फोकस मिल जाएगा। तो यही एक डिफरेंस है D और G कैटेगरी के लेंसेज का। तो अब लास्टली मैं बात करूंगा सोनी के लेंस माउंट्स की। तो यहाँ पे भी दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक है A माउंट और एक है A माउंट DT। तो ये दो वेरिएंट्स हैं। A माउंट जो है वो फुल फ्रेम DSLR बॉडीज जो भी हैं उनके लिए कंपेटेबल होता है। अगेन, ये जो A माउंट लेंसेज हैं ये आप फुल फ्रेम क्रॉप सेंसर दोनों में यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक कैनन एंड नाइकॉन। और जो A माउंट DT लेंसेज हैं वो आपके क्रॉप सेंसर सोनी के कैमरास के लिए बने हैं। तो यहाँ पे अगर A माउंट DT लेंस को फुल फ्रेम में यूज़ करते हो तो आपको वो साइड में काफ़ी हार्ड विनेटिंग दिखेगा, बिकॉज वो लेंस फुल फ्रेम के लिए नहीं बना। तो यहाँ पे आपको निकॉन की तरह आप उसको क्रॉप सेंसर मोड में नहीं ला सकते, तो इसलिए आपको जो A माउंट DT लेंस है वो आपको क्रॉप में यूज़ करना पड़ेगा, फुल फ्रेम के लिए आपको A माउंट लेंसेज लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए, तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, मेरी फोटोज चेक करना चाहते हो, मेरे साथ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, तो आपको नीचे हैंडल दिख जाएगा, आप वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो और हम वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।